आज ना मैं बना रही हूँ एक स्पाइसी प्रॉन करी लंच में, और प्रॉन करी मैंने दिखाया हुआ बट आज थोड़ा सा अलग बनाएंगे, थोड़ा सा घी ही में तल के बनाएंगे, बहुत अच्छा कुछ बनाएंगे। और उसके बाद दूसरा आइटम मैं बना रही हूँ मूढ़ी घंटो, जो बंगाली का एक स्पेशल मेन्यू में आता है, बहुत अच्छा लगता है, मछली के हेड के साथ बनता है। आज बहुत दिन बाद मिला ये मुझे, ले लिया मैंने प्याज, काट देती हूँ। तो मैं इसे रफली चॉप करूँ क्योंकि हमें इसे लास्ट में ग्राइंड ही करना है। सो रफली इसलिए चॉप कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है बाद में। तो ये रहा प्रॉन्स, तो इसमें ना हम लोग टाइगर प्रॉन्स ही लिए हैं, बट उसमें कुछ कुछ जो है छोटे भी आ गए हैं, तो हम ले लिए सारा। तो ये रहा, दिस इज द साइज। टडम, इसको थोड़ा सा हम नमक और हल्दी के साथ थोड़ा हल्का मैरिनेट तो नहीं, बस लगा के हम फ्राई करेंगे, नॉट टू मच मसाला, बस थोड़ा नमक और हल्दी, लिटिल मोर, थोड़ा सा अब हल्दी लगा के थोड़ा। सर मैंने कैमरा ऊपर टिकाया है, अच्छा आ रहेगा। तो सबसे पहले जो है हम प्रॉन को फ्राई करेंगे ताकि प्रॉन का हमें एसेंस वो ऑयल मिल जाए, उसके बाद उसमें हम बाकी सब चीजें फ्राई करेंगे। सो हाँ, अब इसमें मैं आज घी से फ्राई करूंगी, थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाए। बहुत अच्छा सा प्रॉन और घी को मिला के जो खुशबू होता है ना, अरोमा बहुत अच्छा फैल गया है। आपको ज्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये जो है जूसी नहीं रहेगा और बहुत हार्ड हो जाएगा। सो क्विकली आई एम गोना मेक वन मसाला जो इसके ऊपर जाएगा, वो है जीरा धनिया, जो नॉर्मली मैं लेकिन हर बार जो है फ्रेशली टॉस करती हूँ, मतलब हल्का सॉटे करती हूँ, और उसके बाद उसको मैं जो है ग्राइंड करती हूँ, तो वो थोड़ा अगर हर बार करोगे तो खाना आपका वैसे ही बहुत स्वाद होगा। धनिया, काली मिर्च, जीरा, इसको थोड़ा हल्का टॉस कर लेना है। इसमें गया प्याज, अब इसमें जाएगा लहसुन, अदरक, अब इसमें जाएगा नारियल, थोड़ा सा और, होता है ना वो चला जाए, हल्का बस फ्राई ले। सो मैं ना सोच रही हूँ कि मैं हर बार इसमें जो है टमाटर देके बनाती हूँ, तो इस बार मैं इसमें टमाटर ना दूँ, काट तो मैं चुकी हूँ बट वो मेरे दूसरे वाले डिश में चला जाएगा। सो आज मैं इसमें टमाटर नहीं देते, इसमें मैं इमली का खट्टा यूज करूंगी आज।
ये थोड़ा सा ना जो घी रोस्ट और केरलिन साइड में जैसे बनाते हैं ना वैसे बना रही हूँ मैं आज, तो उसमें भी मैं टमाटर देती हूँ बट आज जो है मैं उसको स्किप करूंगी, आज मैं इमली का खट्टा उसमें यूज करूंगी। तो अब इसमें जाएगा नमक, ये ना गल चुका है तो हम निकाल लेते हैं, अब इसे ठंडा भी करने देना है। अब पहले जो ड्राई चीज है ना वो पहले मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं, इसमें जो हमने फ्राई करा था ना मतलब स्टर फ्राई सॉरी करा था, खुशबू है ये भी ठंडा हो गया, ये भी बहुत एरोमेटिक है। इसमें क्योंकि इसमें घी से बना हुआ है ना, घी का एक अच्छा घी जो स्मेल नहीं होता, खुशबू स्मेल नहीं खुशबू, बहुत बहुत अच्छा घी का एक खुशबू आ रहा है। अब मैं इसमें पानी नहीं यूज करूंगी, जो इमली का पल्प मैंने बोला ना टमाटर की जगह मैंने जो है इमली यूज करना है, थोड़ा सा इमली का पल्प, बहुत ज्यादा मुझे खट्टा नहीं करना क्योंकि मेरे घर में बहुत ज्यादा खट्टा इमली का पसंद नहीं करते मेन कोर्स में स्पेशली, तो इसको अभी ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपका जो मतलब नारियल देने की वजह से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, अगर आपका बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप थोड़ा हल्का हल्का पानी लगा के भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर जो इमली का पल्प आपको बनाना है ना उसमें थोड़ा सा पानी रखिएगा ताकि आपका जो ये मसाला है बहुत ज्यादा ड्राई ना हो जहाँ पे आपको ग्राइंड करने में मुश्किल हो। मेरा अच्छा खासा ग्राइंड हो जा रहा है तो यानी कि मेरा तेल या घी जो भी आपने यूज करा है वो ठीक था इसकी वजह से, और मैंने पल्प जो यूज करा था उसमें पानी था, मैं कैसे टेढ़ा होकर बात करती तो उसमें हो गया मेरा चम्मच। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, इसमें तेरा घी, थोड़ा सा राई क्योंकि हम खट्टा यूज कर रहे हैं इसलिए, इसमें गया कड़ी पत्ता। अब इसमें जो ये मसाला है ना सारा डाल रही है, भूनने देंगे तेल अलग हो जाए मसालों से, थोड़ा सा नमक क्योंकि मैंने नमक डाला हुआ है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली, अब थोड़ा सा ना ये जो मसाले में पानी था ना ये दे देके इसे पकाना है। अब थोड़ा सा किचन अंधेरा हो रहा था इसलिए मैंने लाइट ऑन करा, नहीं तो मैं नेचुरल लाइट में शूट करना ज्यादा पसंद करती हूँ, नहीं कुछ कर सकते ये थोड़ा भून रहा है। अब इसमें हम सारा फिश डाल देंगे, डोंट वरी मैं मसाला भूली नहीं, मैं मसाले इसके बाद दूंगी किसी को, इसमें गर्म पानी जितना आपको करी चाहिए, आप चाहे तो बिना इसमें पानी डाल के सिर्फ मसालेदार आइटम भी बना सकते हो। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाला क्योंकि ये भुना हुआ है, आप इसे लास्ट में ही डालो। ओके, अब इसे ना 10 मिनट आप खोलने दो लो फ्लेम में ताकि पानी ज्यादा ना खींच ले। खुशबू अभी आ रहा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं कि मैं बाबा भी आके पूछ के ऐसा क्या बना रही है, इतना खुशबू आ रहा है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मसालेदार, एकदम राइस बोलो ये सब मालाबार पराठा वगैरह नहीं होता, या फिर नान बोलो पराठा एकदम नरम वाला जो पराठे होते हैं उसके साथ आप इसे एक बार ट्राई करो, मैं चख तो चुकी हूँ भाई। अब देखो मेरा कढ़ाई कितना क्लीन हो गया है, इसलिए मैंने बोला जब स्टार्टिंग में आपने देखा जब मैं कढ़ाई में ये करी बनाने के लिए आई थी कढ़ाई में पूरा एकदम नारियल वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, अगर आप धो के कोई फ्रेश वाले कढ़ाई में बनाओगे तो वो जो सारा एसेंस इसमें
प्रॉन को फ्राई करा है, उसका ऑयल था, नारियल प्याज ये सब फ्राई हुआ था, उसका घी था, तो वो सारा ना चला जाता। अब जब आप कुछ भी पानी डाल के कुछ भी करी बनाओगे ना, तो वो सारा मिल जाएगा इसके साथ। देखो कढ़ाई अपने आप क्लीन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको क्लीन वाला कढ़ाई चाहिए, आपने अगर कोई भी चीज इसी का फ्राई वगैरह किया तो आप सेम कढ़ाई में बनाने का ट्राई करो, बहुत मजे की जो स्वाद है ना उसमें आती है। मुझे लग गया भूख और मम्मी आज केक खिलाएगी, तो केक खिलाएगी लगाई। अब हम इसे बंद कर देते हैं, जितना हमें ग्रेवी चाहिए था वो मिल गया है। इसमें जाएगा गार्लिक, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मूढ़ी घंटा नहीं बना रहे, मम्मी ने कहा कि तुम ना वो दाल वाला बना लो, आज मूढ़ी घंटा दूसरे बार बना लेंगे। तो ये भी ना दाल के साथ, फिश के हेड के साथ बनता है, ये भी बहुत ही फेमस डिश है हमारे यहाँ का, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। हमने इसीलिए चेंज करा क्योंकि हमारे साथ एक जो है पूरा एकदम करी दाल मसालेदार चीज है, तो उसके साथ एक दाल बना लेते हैं। तो ये हमारे मूंग दाल के साथ बनता है, तो ये रहा मूंग दाल। नॉर्मल जैसे दाल चढ़ाते हैं ना वैसे ही चढ़ा लो, चाहे कुकर में चढ़ाओ चाहे आप कढ़ाई में चढ़ाओ। अब ये जो फिश हेड है ना, इसमें थोड़ा सा नमक, आप चाहे किसी भी मतलब कोई भी फिश हेड ले सकते हैं, मतलब जो बड़ा फिश है ना उसका, जैसे रुई हुआ, कातला हुआ, भेटकी का भी ले सकते हैं। भेटकी चलो मैं ना, भेटकी भी अच्छा लगेगा। चलो मैंने कभी भेटकी के साथ नहीं बनाया, अब इसको अच्छे से भाप लें। नमक और हल्दी पूरे फिश के इसमें डल जाना चाहिए। डन, बंद कर दिए। दाल जितना बॉईल आपको हल्का करना है उतना ही करना है, पर हमने इसको घोटा नहीं है। हाँ, अब इसमें जाएगा ड्राई चिली, अब मैं इसमें दूंगी इलायची और एक दालचीनी। ये अच्छे से अपना खुशबू पहले छोड़ दे तेल पे। तेज पत्ता, अब इसमें जाएगा जीरा क्योंकि खुशबू बहुत अच्छा आ चुका है सिनेमन का। सारा अनियन, अब अनियन को अच्छे से भूनने दो। मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि मेरे पास नारियल ना कोरा हुआ था तो मैं यूज कर रही हूँ, वरना मैं इसमें यूज नहीं करती। लेट्स सी कैसा बनता है। अब गया इसमें टमाटर, नमक, थोड़ा सा और हल्दी, गल जाए टमाटर, बस जाएगा ये फिश हेड। बस इसका इसे तोड़ दो ताकि इसका सारा जो ऑयल है और इसका मसल है, फ्लैश है, ये सारा टूट जाए और करी के साथ मिक्स हो जाए। ये है ना, अब इसमें मैं दाल डालूंगी। माथा दिए दाल इज रेडी।
पहले अगर मेन्यू में दाल है तो हमारे यहाँ सबसे पहले दाल से ही खाते हैं, और वो वाला अच्छा आइटम है वो वाला लास्ट में खाना है। अच्छा नहीं, ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत गर्मी है माँ। दाल दाल दाल, जो भी आप लोग बोलते हैं, दाल या दाल। थोड़ा सा ये माछेर माथा, थोड़ा सा एक टुकड़ा, ये थोड़ा सा ना बहुत लोग ना नहीं खा पाते हैं अगर वो नॉन बंगाली है तो, क्योंकि इसमें पूरा जो फिश का बोन्स है ना वो दाल के साथ मिक्स रहता है, तो थोड़ा आपको ध्यान लगा के केयरफुली खाना पड़ता है भाई। बट मैं ना ये दाल जो है ना माछेर माथा दी, बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ। और हम लोग जो, मैंने शायद से बताया नहीं, ये मेरा रुई फिश जो होता है ना उसका हेड है, बहुत ज्यादा एरोमेटिक है। हम इसमें जो है नारियल यूज नहीं करते हैं। आज कोरा हुआ था तो मैंने सोचा चलो देखते हैं ट्राई करके कैसा लगता है, बट मैंने चख लिया है, ये भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप पहली बार करें तो पहले नारियल छोड़ के कीजिए, और फिर से कभी अगर करना चाहें और अगर आपको अच्छा लगा तो उसके बाद नारियल दे के करना। कंटाप लगता है, कंटाप। मेरे यहाँ जिस दिन ये बनता है ना सबको इसी से खा लेते हैं भात, क्योंकि इसमें फिश भी है, इसमें दाल भी है, इसमें बहुत अच्छा स्वाद है वो दोनों का। और ये जनरली हम लोग जो है इसे मूंग दाल के साथ ही करते हैं। आपको शादी वाड़ी में बहुत ज्यादा मिल जाएगा। एक नंबर। ये थोड़ा टाइम टेकिंग डिश है, बहुत मस्त लग रहा है सच्ची। अब जैसे बाइट लेते हो ना पहला, तो इसमें बहुत अच्छा एक सिनेमन का खुशबू आएगा। फिश हेड में जो मसल्स रहता है, जो ऑयल रहता है ना, जो स्पेशली जो ऑयल रहता है वो जब इस दाल में मिक्स होता है ना प्याज लहसुन टमाटर के साथ, और आज तो नारियल बहुत अच्छा लग रहा है माँ, इसके साथ नारियल बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इस बार से हम लोग नारियल ऐड करेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग ना नारियल से दाल खाते हैं, बट वो ज्यादातर चने के दाल होता है, मूंग के दाल के साथ नहीं खाते। चने के दाल के साथ हम काट के देते हैं या कोर के देते हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा स्पाइस भी है इसके अंदर, मस्त लग रहा है। मुझे नहीं लगा था कि नारियल इसके साथ इतना अच्छा जाएगा। मैं पहले जब डाल रही थी ना, आई वॉज वेरी मच डाउटफुल कि हाँ अच्छा होगा या नहीं होगा। कोई भी डिश तुम्हें खराब करने का मन नहीं करता, बट इतना है कि तुम समझ जाते हो कि किसी के साथ कुछ ना हो तो ज्यादा खराब नहीं लगेगा। तो मेरे को यही सीन था कि ज्यादा खराब नहीं लगेगा। So let me take the first bite of this deliciousness. सबसे जो खुशबू मेरे नाक में गया है, बहुत अच्छा आ रहा हूँ। आप इसे एक बार बनाओ, इसे आप बार बार बना के खाओगे, दिस इज दैट गुड। और भी राइस खा सकते। ये थोड़ा सा न्यू, थोड़ा सा यूनिक है, बट ट्रस्ट मी, डू ट्राई दिस वंस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इफ यू आर अ प्रॉन लवर लाइक मी, यू वुड लव इट। क्योंकि हम जनरली बंगालीज, हम अपने घर में सिर्फ या तो करी बनाते हैं, या तो मलाई करी बनाते हैं, या मस्टर्ड पेस्ट के साथ बनाते हैं, या फिर जैसे मैं बनाती हूँ ना, टमाटर नारियल सब कुछ देके ग्राइंड करके वो एक तरीके से बनाती हूँ। दिस इज न्यू, दिस इज झाल, बट मैंने इसमें सिर्फ जो है पेपर का झाल यूज करा है। माइंड जस्ट ब्लोइंग। मैं क्या बताऊं, सिंपली वो भालो छे मा, दारुण छे ना, दारुण होय छे, दारुण। ये खाती रहो, I can just go on and on and on. मैं तीन टाइम इसके साथ खा सकती हूँ।
इज जूसी, इज स्पाइसी, इज पेपरी, खट्टा के लिए थोड़ा सा इमली यूज हुआ, मैंने बहुत ही माइल्ड इमली यूज करा है ताकि कोई भी चीज किसी से ओवर पावर नहीं करे, और जो खुशबू आए आपको बस वो पत्थर का फूल का है। मेरा खाना खत्म हो गया। What a lunch. मेहनत बहुत लगता है करने में, पर खाना अगर सही में अच्छा टर्न हो जाए ना, उसके बाद आपको लगता है कि ठीक है इतना मेहनत क्या अच्छा है। मेरा पंखा खा रही वो भी अच्छा है, बट आप लोग बस थोड़ा सा शेयर कर दो, लाइक कर दो। शेयर नहीं करोगे तो उससे बस पहुंचता भी नहीं है। पूरा पूरा टाइम, पूरा एंड तक वीडियो देखो, तब जाके मजा आता है यार। आप लोग पूरा नहीं देखते तो मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है, और कितने लोग तो आप देखते हो सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब ही कर दिया करो। सो विद दिस डिलीशियस नोट आई एम गोना एंड माय वीडियो हियर। जाती हूं मैं पंखे के नीचे बैठती हूं, एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी ईटिंग, हैप्पी कुकिंग, हैप्पी डूइंग व्हाटएवर यू डू इन योर वर्ल्ड। डू ट्राई एनी ऑफ माय रेसिपी, पुट इट इन सोशल मीडिया और नॉट, मुझे आप डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, वी कैन चैट देयर। प्रियदास डायरीज करके ही आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, तो वहां आके मुझे बताओ। अगर आप पोस्ट नहीं करना चाहते हो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आप अगर बनाए हो, खाए हो, पसंद आया नहीं आया, कुछ कम हुआ कुछ नहीं, आप मुझे वहां आके बताओ। आई वुड लव टू नो द रिव्यू। क्या हुआ माँ? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बनाया। सीरियसली प्रॉन लवर You have to try this recipe. Otherwise, आपको पता ही नहीं चलेगा कि prawn इसके साथ इस तरीके से बनाओ तो बहुत 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 अच्छा लगता है। So I'll see you guys in my next video. चलो bye bye.